इन पांच कंगारू खिलाड़ियों का जोरदार प्रदर्शन आया, साउथ अफ्रीका को रुलाया, वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का जगह बनाया। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की, तो वहां पर कंगारू टीम ने साउथ अफ्रीकन टीम को 3 विकेटों से मात दे दिया और इस जीत के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में अपना जगह बना लिया है। इस मुकाबले में कंगारू टीम की तरफ से 5 नायक रहे, 5 बब्बर शेर रहे जिन्होंने दहाड़ लगाई है, और उन 5 खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के दम पर यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल मुकाबले में मात दिया और फाइनल में प्रवेश कर लिया, जहां पर 19 नवंबर को उनका सामना भारत से होने वाला है। तो अपने इस रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में, समझने वाले हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा और क्यों उनका प्रदर्शन इस मुकाबले में खास रहा, जिस कारण ऑस्ट्रेलियन टीम को इस मुकाबले में जीत अर्जित हुई है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए देख लेते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में। अगर हम आज के मुकाबले के सबसे बड़े बब्बर शेर की बात करें तो वो रहे ट्रेविस हेड। सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी ट्रेविस हेड ने इस मुकाबले में छाप छोड़ा है, बेहतरीन प्रदर्शन किया, और जो इनका इंपैक्ट है वो बड़ा इंपैक्ट रहा इस मुकाबले में। यहां पर आप देखेंगे तो इन्होंने 5 ओवरों के स्पेल में 21 रन लेकर 2 विकेट, और ये जो 2 विकेट रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट रहा। हेनरिक क्लासेन का इसमें विकेट शामिल है जो कि 47 रनों के स्कोर पर टिके हुए थे। मिलर के साथ उनकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, अगर ये पार्टनरशिप थोड़ी सी भी लंबी हो जाती, 30 से 40 रन यहां पर इस पार्टनरशिप के चलते अगर साउथ अफ्रीकन टीम एक्स्ट्रा स्कोर बोर्ड पर लगा लेती, 250 के करीब पहुंच जाती, तो फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए यह रिजल्ट बदल सकता था। लेकिन ट्रेविस हेड ने यहां पर क्लासेन का विकेट निकाला, फिर एक गेंद बाद मार्को यैनसन का विकेट निकाला, जिसके चलते पूरे मैच का मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गया और मिलर एक तरफ पे अकेले पड़ गए। तो ट्रेविस हेड ने यहां पर अपना कारनामा दिखाया, तो फिर जब बल्लेबाजी की बारी आई तो वहां पर छाप छोड़ा। कंगारू टीम के ड्रेसिंग रूम में मैसेज क्लियर था कि पावर प्ले के ओवरों में ही मैक्सिमम आपको स्कोर करना है, और ट्रेविस हेड ने उस पावर प्ले के ओवरों में इस मुकाबले में इंटेंट दिखाया और 62 रन बना डाले मात्र 48 गेंदों पे, और इनके विकेट के गिरने के बाद पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। लेकिन यही जो इनका पावर प्ले के ओवरों में स्कोर रहा है, ये कंगारू टीम को बहुत मदद किया और अंतोगत्वा कंगारू टीम की विजय रही। और अगर हम बात करें इस जीत की, तो यहां पर ट्रेविस हेड का बड़ा योगदान रहा, चाहे बल्ले से चाहे गेंद से, दोनों से इन्होंने यहां पर छाप छोड़ा। अगर हम बात करें दूसरे हीरो की, तो ये रहे डेविड वार्नर। 18 गेंदों पर 29 रन बना डाला उन्होंने और पावर प्ले के ओवरों में खूब जमकर रन बटोरे, और यही आज के मुकाबले का डिफरेंस रहा, जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम पावर प्ले के ओवरों में विकेट खोती हुई नजर आई, तो वहीं ऑस्ट्रेलियन टीम ने पावर प्ले के ओवरों में खासकर शुरुआती 6 ओवरों में 60 रन बना डाले थे, और वहीं पर जो टारगेट था उसको बहुत ही कम कर दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम को पूरी तरीके से पता था कि यहां पर मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजी आएगी, बल्लेबाजी लड़खड़ाएगी, तो हमें पावर प्ले के ओवरों का बखूबी प्रयोग करना है, और वार्नर और ट्रेविस हेड ने बखूबी वहां पर इंटेंट दिखाया, और उसी इंटेंट की बदौलत रही कि ऑस्ट्रेलियन टीम को इस मुकाबले में जीत प्राप्त हुआ। यहां पर 18 गेंदों पर 29 रन बनाया वार्नर ने और ताबड़तोड़ पारी खेली। अगर हम बात करें आज के मुकाबले के तीसरे हीरो की, तो वो रहे मिचेल स्टार्क। पहले गेंद से इन्होंने छाप छोड़ा, शुरुआती ओवरों में साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, 34 रन देकर 3 विकेट, डेथ ओवर्स में भी विकेट निकाले, और फिर अगर हम बात करें बल्लेबाजी की, जब एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीकन टीम के गेंदबाज हावी होते हुए नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के ऊपर, तो वहां पर जो लंबी बल्लेबाजी है उसका फायदा मिला ऑस्ट्रेलियन टीम को। मिचेल स्टार्क ने एक और मोहरा थामा, 32 रन खेल डाले। देखिए इस पिच पर अगर आप 32 गेंदे खेल डालते हैं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, 16 रन बनाया 32 गेंदे खेलकर, तो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब पारी रही मिचेल स्टार्क की। जब बल्ले से इनकी जरूरत थी, पेशेंस की जरूरत थी, वो पेशेंस दिखाया,
इंग्लिश का बखूबी साथ निभाया, फिर पैट कमिंस के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम को लाइन क्रॉस कराया। ये रहे आपके स्क्रीन पे आज के मुकाबले के चौथे हीरो, इनका नाम है कप्तान पैट कमिंस। बल्लेबाजी से तो जो ये योगदान देते हैं इस टीम में उसका कभी जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही टेम्परामेंट वाले खिलाड़ी, ये बल्लेबाजी में तो जल्दी गलती करते ही नहीं है। अगर ये सोच लेते हैं कि खूटा गाड़ना है तो गाड़ना है, अगर ये सोच लेते हैं अटैक करना है तो अटैक करना है। बहुत ही बड़ा इंपैक्ट है इनका इस टीम में, बतौर कप्तान, बतौर गेंदबाज, बतौर बल्लेबाज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और पैट कमिंस का सबसे बड़ा इंपैक्ट है इस कंगारू टीम में। आप देखिए 29 गेंदें यहां पर खेल डाली। अगर पिछला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ इस कंगारू टीम का आपको याद होगा तो वहां पर खूटा गाड़ने की जरूरत थी, मैक्सवेल का साथ निभाने का वहां पे आवश्यकता था, तो वहां पे कमिंस ने वो काम करके दिखाया। आज मिचेल स्टार्क के साथ वहां पर बस टिके रहने की जरूरत थी तो वो पैट कमिंस ने आज करके दिखाया। 29 गेंदों पे 14 रन बनाया नबाद रहे और अपनी टीम को लाइन क्रॉस कराया। वहीं अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो 3 विकेट इनके नाम रहा, 9.4 ओवरों में 51 रन खर्च के 3 विकेट, मतलब मिडिल ओवर्स में भी यहां पर इन्होंने विकेट निकाले। और सबसे खास बात, जो सबसे बड़ा विकेट निकाला, वेल प्लान्ड विकेट रहा डेविड मिलर का। अगर डेविड मिलर शायद वो जो बचे हुए 3 ओवर खेल जाते तो फिर ये जो टारगेट होता वो 240 के करीब रहता, लेकिन पैट कमिंस ने उनको अपनी जाल में फंसाया और साउथ अफ्रीकन टीम बड़ा टारगेट ना बना पाई। ये आपके स्क्रीन पर आ गए आज के मुकाबले के पांचवें हीरो, ऑस्ट्रेलियन टीम के पांचवें बब्बर शेर, जिन्होंने आज बड़ी दहाड़ लगाई है। कमिंस से जरूर गलती हुई है, 10 ओवर का स्पेल ना फेंक पाए, लेकिन 8 ओवरों में ही इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया, पूरा किया और ऑस्ट्रेलियन टीम को फाइनल में पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले किया। शुरुआती ओवर्स में ओवरकास्ट कंडीशन था और इनकी ऑस्ट्रेलियन टीम को सख्त जरूरत थी कि ये विकेट निकालें अप फ्रंट, और उन्होंने वही काम किया। 8 ओवर लगातार फेंक डाले, 12 रन खर्च किया, 2 विकेट निकाला और जिसमें सबसे बड़ा विकेट क्वेंटन डिकॉक करा। तो बहुत ही बेहतरीन पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी की, इनके स्पेल की बदौलत कंगारू टीम साउथ अफ्रीकन टीम को 12 ओवरों में, साउथ अफ्रीकन टीम के 12 ओवरों में 4 विकेट निकाल ले गई थी और वहीं पर पूरी तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी को रोक दिया था, थम सी गई थी साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजी। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो जॉस हेजलवुड, एक ही टिप्पे पर एक गेंदबाजी करते हैं, अगर थोड़ा भी हरकत होती है गेंद मॉइस्चर के कारण, ओवरकास्ट कंडीशन के कारण, तो फिर इनसे घातक गेंदबाज कोई नहीं दिखता, और वो दिखा आज के मुकाबले में। हर ओपनर बल्लेबाज हो चाहे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हो, सभी इनको मारने में असमर्थ दिख रहे थे और अपना विकेट फेंके जा रहे थे। 2 विकेट निकाले अप फ्रंट, 12 रन मात्र खर्च किया 8 ओवरों में, तो देख सकते हैं इनका क्या इंपैक्ट रहा। तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम के 5 बब्बर शेर रहे जिन्होंने आज के मुकाबले में छाप छोड़ा है, बेहतरीन प्रदर्शन किया और इन्हीं खिलाड़ियों के प्रदर्शन के दम पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने फाइनल में प्रवेश पा लिया है। अब 19 नवंबर को भारत से उनका मुकाबला है और एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि कंगारू टीम वर्ल्ड कप में अलग ही दिखती है और आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड कप में 2 मुकाबले हारने के बाद ये कंगारू टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और भारत खिलाफ एक जोरदार मुकाबला होने का अनुमान है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।